हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपके बताने जा रहा हूं, जैसे कि आसूस का लैपटॉप और इस टाइम पे जो चल रहा है, तो हम लोग को सबसे बड़ा डाउट होता है कि आसूस का लैपटॉप कौन सा लें, कैसे लें, तो समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हम आपको दिखने को मिल जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं आसूस में जैसे पी प्रोसेसर होता है, यू प्रोसेसर होता है, एच प्रोसेसर होता है, एच एक्स प्रोसेसर होता है, तो उसमें सब में डिफरेंट क्या है दोस्तों, ये चीज़ हमको नहीं पता रहता। अगर हम मार्केट प्लेस में जाते हैं, तो मार्केट प्लेस में जाने से पहले हमको प्रॉब्लम क्रिएट क्या होता है, अभी हम जाएंगे शॉप पे तो हमको क्या बोलेंगे, भैया लैपटॉप दिखाइए, ठीक है? तो कस्टमर शॉपकीपर क्या होता है, देखिए उसको तो कमाना है, वो आपको अच्छा भी लैपटॉप दिखा सकता है, ख़राब भी दिखा सकता है। आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे, जो वो बताएगा ये आम है तो आम ही समझेंगे, इमली है तो इमली समझेंगे, तो आपको इतना कन्फर्म नहीं रहेगा। उस पीरियड में अगर आप किसी से पूछते हैं तो अगले बंदे को भी क्या पता कि उतना नॉलेज हो या ना हो, थोड़ा बहुत तो लैपटॉप चलाना जान गए तो सभी सोचते हैं मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो जब तक हमको पर्सनली नॉलेज नहीं है, हम पे खुद पर विश्वास नहीं है, हम खुद पर नहीं नॉलेज है हमको, तो हम दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने से कोई मतलब हमको नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो लेट ना करते हुए इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हमारा यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत यूज है, स्टडी यूज है, तो हम यू प्रोसेसर ले सकते हैं। अगर हम पी प्रोसेसर चाहिए, पी प्रोसेसर यू से ज़्यादा बेटर होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग वगैरह उस पर कर सकते हैं और बढ़िया होता है। यू आपको कॉमन प्रोसेसर होता है, उसमें आप ऑफिस वगैरह और क्लासेस वगैरह आराम से कर सकते हैं, ये सब यू का नॉर्मल यूज के लिए यू प्रोसेसर यूज होता है। उससे हाई कॉन्फ़िगरेशन अगर थोड़ा करना है तो पी प्रोसेसर यूज करते हैं, जैसे कोडिंग हुआ, प्रोग्रामिंग हुआ, आपके पास बजट नहीं है तो पी ले सकते हैं। और उससे अच्छा चाहिए एच प्रोसेसर यूज कर सकते हैं या तो एच एक्स प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। एच एक्स में कोई अंतर नहीं है, सेम होता है, बाकी ये दोनों प्रोसेसर काफ़ी अच्छे होते हैं, इसमें आपको सारा काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एच प्रोसेसर लेने के बाद आपको ग्राफिक कार्ड भी उसमें मिल जाता है, तो ग्राफिक कार्ड कम से कम स्टार्टिंग 2050 ग्राफिक कार्ड लें, ठीक है? 6050 लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, अगर आप एच पे जा रहे हैं तो फिर कम से कम 2050 ग्राफिक कार्ड लीजिए, इसके ऊपर लेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी अगर बजट नहीं है तो 2050 सही रहेगा। तो अगर हमको स्टार्टिंग मान लो इस टाइम पे क्या लैपटॉप कौन सा मुझे बढ़िया चल रहा है और जो लैपटॉप मैं ले लूँ हमारा यूज के लिए हमको सही रहेगा, तो वीडियो लेट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आसूस का वीवो बुक 12th generation i3, तो जैसे कि मैं लैपटॉप को ओपन किया, लैपटॉप खुलने में थोड़ा नेटवर्क इशू है, खुल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि आसूस का ये वीवो बुक दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। और इसकी बात करूँ तो कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है और लुक भी काफ़ी अच्छा है इसका। Asus VivoBook 15 Intel Core i3 1215U, जो मैंने आपको बताया यू प्रोसेसर, दोस्तों यू प्रोसेसर ये की ही खासियत है यू प्रोसेसर में, जो कि हम कॉमन यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है, ठीक है? i3 12th generation 15U, 1215U मतलब होता है 12वां जनरेशन, 15 इंच, 12th generation, 15.6 इसका स्क्रीन है, फुल HD थिन एंड लाइट लैपटॉप, यानी लाइट वेट अच्छा है, 8GB रैम, 512GB SSD, विंडोज 11 ऑफिस 2021 इसमें दिया है, प्लस दोस्तों में सबसे बड़ी अच्छी चीज़ बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया है, ठीक है? इसका कलर की बात करूँ आपको ब्लू है और ब्लैक होगा, ये मिक्स कलर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसका मॉडल की बात करूँ NJ32C326WS मॉडल होता है, X1504ZA मॉडल होता है, ठीक है? इसका नेम कोर i3 12th generation 1215U, जो मैं आपको बताया, इसका प्राइस इसमें 8% डिस्काउंट चल रहा है, 36,990 रुपये का है, बट हम सजेस्ट करेंगे ऑनलाइन भी ठीक होता है, बट दोस्तों एक बार आप ऑफलाइन ज़रूर कंफर्म करें, ऑफलाइन ज़रूर रेट कंपेयर करें। देखिए ऑफलाइन लेते हैं तो आपको ज़्यादा सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगा कि अच्छे से आप चेक कर सकते हैं, कोई लैपटॉप में कोई दिक्कत आपको नहीं समझ में आएगा और लैपटॉप आसानी से आप देखकर पूरा एकदम अनबॉक्सिंग करके चेक करके फिर लैपटॉप आप ले सकते हैं, इसमें आपको ये फ़ायदा होता है, ठीक है? ऑनलाइन में आपको क्या है, तुरंत आपको पेमेंट करना पड़ेगा और ये सब फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन में कई चीज़ें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कलर की बात करूँ तो कलर काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है और
आसुस ब्यूबुक, बाकी कलर आप नेरी ब्लू है, ब्लू कलर काफ़ी अच्छा हमको लग रहा है, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास लग रहा है, कलर तो हमको बहुत ही पसंद है। अब आपको क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा कलर मुझे लग रहा है, अब क्या ही बताऊँ आपको, बहुत प्यारा कलर है। तो लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, ये लैपटॉप ले सकते हैं, अगर आपका स्टडी यूज है, ऑफिस यूज है, तो ये लैपटॉप आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास लैपटॉप है, रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, 4.5 रेटिंग है, और रेटिंग बहुत ही बढ़िया है, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। और आसुस का सर्विस सेंटर आपको प्रयागराज में भी मिल जाएगा और अदर भी जगह मिल जाएगा, आन साइड ऑफ साइड वारंटी होता है, बैटरी बैकअप एकदम गुड होता है, सर्विस की कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस काफ़ी अच्छा होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो अगर पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को शेयर करिए और आप सबका प्यार ऐसा बना रहे हमारे ऊपर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो, धन्यवाद।